सौ मारा मार सतकेवल साहेब परम गुरु पाठशाला सतकेवल विद्या मंदिर गुजराती माध्यम संकुल सारसा हूँ काजल हिंगू आप सब विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण कार्य पद्धति में स्वागत करूँ छू मैं काजल हिंगू कक्षा छ विषय हिंदी पुनरावर्तन एक तो विद्यार्थी मित्रों आज हम पुनरावर्तन एक सीखेंगे और आपको बोलना है आंसर ओके तो आपको मैंने सब एक से चार तक इकाई में जो जो भी सिखाया है वो आपको पुनरावर्तन एक में आपको उत्तर देना है तो हम पुनरावर्तन एक स्टार्ट करते हैं आप तैयार हैं ना तो आप सब विद्यार्थी मित्रों नोट और पेन लेके बैठ जाइए तो हम पहले प्रश्न में देखते हैं आप ध्यान से सुनिए और आपको ये प्रश्न के उत्तर देने हैं तो पहला प्रश्न है खाली जगह आप देख सकते हो है ना विद्यार्थी मित्रों आपके पास बुक है ना ओके तो हम पहला प्रश्न में देखते हैं खाली जगह और देखें उसमें आपको उत्तर भी दी दी गए हैं ओके तो उत्तर क्या है बाजार वह बिच्छू अस्पताल और घर तो इनमें से आपको सही उत्तर ढूंढकर यह खाली जगह में लिखने हैं तो आप सब तैयार है ना ओके तो पहली खाली जगह है सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं तो कौन बोलेगा इसका आंसर ओके तो कौन सा आंसर आएगा घर वेरी गुड सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं दूसरी खाली जगह है रमेश को बुखार था रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं आया तो इनमें कौन सा उत्तर आएगा ओके वेरी गुड वह रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया तीसरी खाली जगह है मीना और जयबिनी कहाँ जा रही थी तो इनमें कौन सा उत्तर आएगा अस्पताल या बाजार इन दोनों में कौन सा सही आंसर है विद्यार्थी मित्रों ओके मीना और जैमिनी बाजार जा रही थी चौथी खाली जगह है मैंने खाली जगह को दल दल से बाहर निकाला ये सब को आता ही है है ना तो नन्ही बतक ने किसको दल दल से बाहर निकाला तो कौन देगा इसका आंसर ओके वेरी गुड मैंने बिच्छू को दल दल से बाहर निकाला पांचवी खाली जगह है शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया अस्पताल तो विद्यार्थी मित्रों आपने खाली जगह लिख ली ना ओके okay. तो हम अगले प्रश्न पे देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए दूसरा प्रश्न क्या है हमें प्रश्नों के उत्तर देना है और लिखना है तो पहला प्रश्न है आपने किन किन कहानियों का पठन किया है तो इसका उत्तर कौन देगा मैंने आपको कितनी कहानी सुनाई है आपको पता है आपको याद है ओके तो मैं बताती हूँ मैंने इन कहानियों का पठन किया है तो कौन कौन सी पहली दयालु शिकारी बातुनी कछुआ प्यासा कौवा कौवा और लोमड़ी और समझदार नन्ही तो ये सब आपको लिखना है दूसरा प्रश्न है आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए तो आपने किसी भी कहानी पढ़ी हो तो आपने अपने शब्दों में लिखना है तीसरा क्वेश्चन है शिकारी ने हिन्नी को कैसे बचाया तो शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया ये मैंने आपको दयालु शिकारी में पढ़ाया था और समझाया था ओके किसी को याद है कि इसका आंसर कौन सा आएगा ओके तो मैं आपको फिर से बताती हूँ शिकारी की गोली हिन्नी की टांग में लगी थी कहाँ लगी थी हिन्नी की टांग में शिकारी हिन्नी शिकारी हिन्नी को जानवरों के अस्पताल में ले गया वहाँ डॉक्टर ने हिन्नी का इलाज किया किसने किया इलाज डॉक्टर ने इसी तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया तो आपको इसका उत्तर समझ में आया ना ओके तो हम चौथा प्रश्न देखते हैं प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है हम विश्व के सभी राष्ट्रों को हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे हम सब में समता और ममता की भावना जगाए और हम सबके मन में समता और ममता की भावना जगाए हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें प्रगति न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है तो विद्यार्थी मित्रों ये आपको उत्तर समझ में आया ना ओके तो हम पांचवा प्रश्न देखते हैं नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था ये भी आपको प्रश्न के उत्तर आता होगा तो आपने लिखा भी होगा तो मैं आज फिर से आपको बताती हूँ कि इसका उत्तर क्या है नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी किसी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था आपको याद है बिच्छू ने वेरी गुड किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्श समझती थी इस प्रकार सबकी भलाई करना, सब करना नन्ही पत्थर का स्वभाव था तो विद्यार्थी मित्रों आपने सुना ना इसका उत्तर और आपको लिखना है हम प्रश्न त्रन में देखते हैं निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके पाँच पाँच शब्द बनाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ कितने हैं चार है वर्ण कितने हैं चार कौन कौन से च क्ष त और भ तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ ऐसे ही आपको शब्द बनाने हैं और उसके वाक्य प्रयोग करने हैं तो पहला है च तो चमेली मैंने क्या बनाया एक शब्द बनाया चौसे चमेली और इसका वाक्य प्रयोग में बनाती हूँ चमेली का फूल खुशबूदार होता है चमेली का फूल खुशबूदार होता है तो मैंने इसे क्या किया वाक्य प्रयोग किया तो विद्यार्थी मित्रों आपको इस चार वर्णों में पाँच पाँच शब्द बनाने हैं और पाँच पाँच के वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो ये आपको लिखना है हम अगले प्रश्न पे जाते हैं प्रश्न चार समान तुका प्रास वाले शब्द बनाकर लिखे ये क्या है विद्यार्थी मित्रों समान अर्थ वाले प्रश्न आपको लिखना है समान तुक वाले शब्द बनाना है और लिखना है तो पहला है सामाजिक ओके तो सामाजिक का समान वाले समान तुक वाले शब्द कौन कौन से है मैं आपको बताती हूँ और आपको लिखना है तो सामाजिक तो उसका उत्तर है प्रामाणिक सांसारिक और पारिवारिक दूसरा है मानवता तो समान तुक वाले शब्द इनमें कौन कौन से आएंगे मैं आपको बताती हूँ मानवता यानी दानवता सज्जनता और स्वतंत्रता तीसरा है भलाई तो बुराई हवाई और जुदाई चौथा है घबराहट तो हट वाले समान तुक वाले शब्दों आपको बनाना है तो क्या है खड़खड़ाहट सरसराहट और फड़फड़ाहट तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये समझ में आया ना ओके okay, तो आपको ये भी लिखना है पांचवा प्रश्न है गिनती को शब्दों में गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए तो ये सब आपको आता ही है तो ये आपको लिखना है तो पहला क्या है अंक में छियानबे दूसरा सड़सठ तीसरा इक्यावन और चौथा अट्ठासी और पांचवा है अठहत्तर तो आपको अंक में लिखना है ओके सत्तावन उनहत्तर और सतानवे तो इसका उत्तर आपको लिखना है हम अगले प्रश्न पे जाते हैं प्रश्न नंबर विरुद्धार्थी शब्द लिखिए और उनके वाक्य प्रयोग भी कीजिए तो पहला क्या है स्वच्छ स्वच्छ का विरोध अर्थ क्या होता है अस्वच्छ तो इसका प्रयोग करें हम ओके यह घर छोटा है पर नहीं है दूसरा है देश देश का विरोधी अर्थ होता है विदेश पिताजी विदेश गए हुए है ये क्या हुआ उनका वाक्य प्रयोग तीसरा है प्रिय प्रिय, प्रिय। का विरोधार्थी अर्थ क्या होता है आप सबको आता ही होता सॉरी आपको सब आता ही होगा तो क्या है विद्यार्थी मित्रों का अर्थ क्या होता है अप्रिय वेरी गुड तो इसका वाक्य हम बनाए ओके okay. बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं चौथा है, है अधिक तो इसका विरोधी अर्थ होता है कम चाय में शक्कर कम है तो विद्यार्थी मित्रों आपको विरोधार्थी शब्द के अर्थ और वाक्य प्रयोग करने हैं और लिखने हैं सातवां प्रश्न है समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग में लिखे तो पहला है सूर्य तो सूर्य का समाना थी अर्थ क्या होता है विद्यार्थी मित्रों रवि वेरी गुड तो इसका वाक्य प्रयोग में हम करते हैं दिन में हमें रवि का प्रकाश देता है दिन में हमें रवि प्रकाश देता है दूसरा है भूमि भूमि का अर्थ होता है जमीन तो यहाँ की जमीन उपजाऊ है तीसरा है प्राण तो इसका समानार्थी अर्थ होता है जान दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई चौथा है सहसा तो इसका अर्थ होता है अचानक चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई तो विद्यार्थी मित्रों हम आठवें प्रश्न पर जाते हैं तो ये आपको क्या है दिखाई पड़ता है एक चित्र पाठ तो विद्यार्थी मित्रों नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए आपको आठ दस वाक्य लिखना है तो आपको दिखाई देता है ना ये चित्र ओके तो ये चित्र आपको ध्यान से देखना है और समझना है फिर आठ दस वाक्य आपको लिखना है ओके तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आए ना ओके तो मैं आपको इस चित्र पाठ में क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातः कालीन दृश्य दिखाया गया है तो ये क्या है किसी का चित्र है नदी घाट का सवेरे का दृश्य दिखाया गया है पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है आप ध्यान से चित्र में देखिए पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है नदी के दोनों किनारों में बगदाद के वृक्ष है नदी में तीन बथखे तैर रही है बगुला चाँच में मछली पकड़े हुए है एक लड़का बरगद की पेड़ एक लड़का बरगद की दो जड़ों से झूल रहा है एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है दो लड़के नदी में तैर रहे हैं। और दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं ना ओके दो लड़के नदी में तैर रहे हैं एक खरगोश जाड़ी में छिपा बैठा है और एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है दो स्त्रिया घाट में लौट रही है दो स्त्रिया घाट से लौट रही है एक से सिर पर दो घड़े हैं एक के सिर पर कितने घड़े हैं दो और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े दिखाई देते हैं। एक श्री घाट पर कपड़े धो रही है और एक क्या कर रही है कपड़े धो रही है एक मंदिर के झज्जे सॉरी एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है और इसके पीछे क्या रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक घड़ा दूर तक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है नारियल के दो पेड़ों पर नारियल के दो पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैर तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है दूर दूर तक गांव की झोपड़िया दिखाई दे रही है तो विद्यार्थी मित्रों ये सब आपको लिखना है मैंने आपको बताया ना आपको ने ध्यान से सुना होगा तो विद्यार्थी मित्रों ये चित्र का वर्णन आपने नोट डाउन करना है नौवा प्रश्न है आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है इस घटना का वर्णन कीजिए तो विद्यार्थी मित्रों ये प्रश्न आपने अपने आप लिखना है ओके तो हम दसवा प्रश्न पर देखते हैं चित्र के आधार पर कहानी लिखे तो ये कौन सी कहानी है मित्रों आपने सुनी ही होगी बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई इसका कहानी का नाम क्या है बंदर और मगर और दूसरा बंदर की चतुराई तो विद्यार्थी मित्रों ये कहानी आपको लिखनी है और चित्र के आधार पर ही लिखनी है ओके तो विद्यार्थी मित्रों ये आपका होमवर्क है ये कहानी अपने आप लिखनी है तो विद्यार्थी मित्रों आज मैंने आपको पुनरावर्तन एक सिखाया और समझाया तो अब तक अस्तु सत केवल साहेब